देखिए जो ये बर्ड बैठी है बुलबुल, इसने मेरे गार्डन में एग दिए हुए। तो ये लास्ट ईयर भी दिए थे इसने, अभी कुछ दिन पहले भी इसके बेबी उड़े हैं, फिर इसने एग दिए हैं। तो टेरेस गार्डन अगर आप करते हैं तो बर्ड्स वगैरह भी अपने घर बनाती है। और देखिए गन्ना रेडी है फॉर हार्वेस्टिंग। तो अभी कुछ टाइम नहीं मिला तो इसलिए तोड़ा नहीं है मैंने, कोल्ड ओल्ड हो रहा है। तो देखिए ये गन्ना पूरी तरह से ड्राई हो रहा है और रेडी भी है हार्वेस्टिंग के लिए, इसको जल्दी हार्वेस्ट कर लेंगे। तो देखिए गन्ना आप इसी तरीके से अपने टेरेस में लगा सकते हैं, इसके छोटे छोटे पीसेस काट के। तो मैंने 2 ग्रो बैग में लगाए थे, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और गन्ना आप एक दफ़े लगाएंगे तो 3 साल तक आपको गन्ना रेगुलर मिलेगा। तो गन्ने की एक फसल जो होती है वो 3 साल तक चलती है। तो अभी मेरे नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, ये दूसरा साल है। तो देखिए हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। और ये 22 इंच के मेरे ग्रो बैग में लगाया था मैंने शुगर केन। अभी कुछ ड्राई आपको लग रही मेरी लीव्स, क्योंकि बारिश वगैरह तो कल थोड़ी सी हुई थी, बारिश बंद हो चुकी है, अब ड्राई लीव्स हो गई हैं। ये देखिए तो इस तरह से आप शुगर केन अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं आराम से। ये देखिए, और शुगर केन को पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, और सनलाइट तो प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो टेरेस में भी आप गन्ना उगा के गन्ने का आनंद ले सकते हैं शुगर केन का। ये देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स उग रहे हैं इसके, जो मैंने हार्वेस्ट कर लिए थे पहले। तो इस तरह से आप गन्ना लगा सकते हैं अपने टेरेस में आराम से। जो ये गन्ना है इसके छोटे छोटे पीसेस करके, इस पर मैंने पहले भी विस्तृत रूप से एक वीडियो बनाया था, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह हम गन्ना अपने टेरेस में ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग खाने के लिए गन्ना लाए थे घर पे, और वो गन्ना मैंने बो दिया तो लग गया, 2 मैंने ग्रो बैग में लगाया, एक वो देखिए ये है। तो ये हार्वेस्टिंग के लिए हो रहा है, तो ऊपर से इसकी लीव्स देखिए सब, ये देखिए इस तरह से बेबी प्लांट्स इसके आने लग गए, उधर पीछे भी ये। तो ये भी हार्वेस्ट कर लूँगी जल्दी। तो इस तरह से शुगर केन आप अपने टेरेस में बहुत ईजी तरीके से 22 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको शुगर केन का। ये देखिए एकदम इस तरह से। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए। तो छोटा सा वीडियो है, आज का टॉपिक था मेरा शुगर केन के ऊपर, गन्ने के ऊपर, कि किस तरह से गन्ना हम लगा सकते हैं। इसको आप छोटे छोटे पीसेस में लंबा तरीके से आप इसको अपने सॉइल में अच्छी सी सॉइल तैयार करके वेल्ड्रीन इसको लगा सकते हैं, और टेरेस में भी आप एक शुगर केन का आनंद उठा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा शुगर केन का। तो आज का टॉपिक था शुगर केन। तो वीडियो को फुल देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई जानकारी के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।